गुड मॉर्निंग फ्रॉम लक्ष्मी वन। कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी सुबह में थोड़ा बहुत रुकी है बारिश, फिर भी थोड़ी ड्रिजलिंग जैसा हो रहा है। आज का जो ट्रिक है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, 8 किलोमीटर का है, बट खड़ी चढ़ाई वगैरह है, शस्त्र धराव के आगे जाना है। एक बार मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, बहुत अद्भुत है। इसका नाम लक्ष्मी वन तब है ना, माता लक्ष्मी ने यहाँ पर। हाँ, ये पूरा लक्ष्मी वन का नज़ारा सुबह का, रात भर बारिश होती रही, अभी थोड़ा मौसम खुला है, हो सकता है कि आगे भी बारिश मिले हमें। यहाँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी इसलिए इसका नाम लक्ष्मी वन पड़ा है। माना में द्रौपदी जी ने प्राण त्यागे थे यहाँ पे नकुल, और ये दूसरे सब टेंट है। यही रास्ता है सत्य के पथ पे जाने के लिए, स्वर्गारोहिणी जी से बोलते हैं, जहाँ से युधिष्ठिर केवल मात्र स्वर्ग में जा पाए थे। ये हमारे कनु भाई, हमारे गाइड, ये किचन। मैं तो सभी मेरे देखने वालों सब्सक्राइबर को, आप एक बार ज़रूर आइए सतोपंत, ये हमारी संस्कृति है, बहुत कुछ जानने को मिला है, क्या है क्या नहीं, बहुत कुछ है, बहुत सारा चीज़ें है जो आपको पता ना हो शायद। मैं उनसे जाना है चक्रतीर्थ में, आज का नाइट पड़ाव है, हमारा नाइट स्टे है, कुछ 8 किलोमीटर की एक बहुत टफ चढ़ाई है, पूरा दिन निकल सकता है आज, और उसके साथ साथ में वेदर कंडीशन भी देखना पड़ेगा। आज रास्ते में बहुत कुछ देखने लायक है, तो मैं बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा। जय बद्री विशाल। बारिश फिर से चालू हो चुकी है, अभी और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसे एटमॉस्फेयर में तो नहीं जा सकते। देखो इतना गजब की बारिश है, अभी ये बारिश में तो निकलना मुश्किल ही है, तो जस्ट वेटिंग, अगर रेन थोड़ा भी कम होता है तो फिर निकलना पॉसिबल होगा, अभी ये वेदर में तो नॉट पॉसिबल। जय बद्री विशाल। अभी वेदर इतना ख़राब हो चुका है, इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, गाइड आके बोल के गया है कि अगर ऐसी ही बारिश रही तो आज की नाइट यहाँ ही स्टे करना पड़ेगा लक्ष्मी वन में। अगर वेदर थोड़ा खुलता है तो फिर आगे जाने का पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ नहीं जा पाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बारिश कम हो जाए तो आगे निकल सके। जय बद्री विशाल। जैसे ही हमने लक्ष्मी वन छोड़ा, ये सब वाटर क्रॉसिंग है, देखिए से वाटर क्रॉसिंग करनी है। मौसम काफ़ी खुल गया है तो चक्रतीर्थ नहीं, हम सहस्त्रधारा रुकेंगे क्योंकि लेट हो गया है। ऐसे पत्थर के बीच में से चढ़ाई करके आना है, ये सब पोटर आपको दिख रहे हैं, एक कलकल बहता हुआ यहाँ झरना, देवभूमि के ये पवित्र स्थान पे आके इतना अद्भुत, इतना पवित्रता महसूस कर रहा हूँ। ये पूरी पवित्र भूमि है जहाँ से स्वर्ग का रास्ता निकलता है, स्वर्गारोहिणी। अद्भुत, अकल्पनीय। ये अलकापुरी है जहाँ से अलकनंदा का उद्गम स्थान है। वो जो सामने दिख रहा है ग्लेशियर, वो ग्लेशियर
स्वर्गारोहिणी है। वो स्वर्गारोहिणी उसके आगे जो यूं गोल चक्र जैसा दिख रहा है वो हाँ, चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ है वो। उसके बाद उसके आगे जो एक पहाड़ सा दिख रहा है ऐसा यूं गोल सा, वो हाँ, वहीं पे सतोपंत है। वो सतोपंत है वहाँ पे, राइट? बिल्कुल राइट। और ये पूरा ग्लेशियर विष्णु कुंड तक गया हुआ है। ये पूरा जो ग्लेशियर है विष्णु कुंड तक गया हुआ है। वाह, कहते हैं कि उनके चरणों से ये अलकनंदा निकली है, तो यहीं से इनका उद्गम है। वाह वाह वाह, सामने वो ग्लेशियर दिख रहा है, अद्भुत साफ होता तो फिर वो शस्त्र धारा है, उसके पीछे नीलकंठ। ये कौन सा है? ये नीलकंठ दिखा नहीं दे रहा क्योंकि बहुत सारे बादल है, ये बादलों के पीछे नीलकंठ है। शस्त्र धारा का पार्ट है ये, सब शस्त्र धारा है। वाह, अद्भुत दृश्य है। देखिए अभी ये वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं और वो एक करके आया हूँ मैं पीछे, आप कई लोगों को देख रहे होंगे, पैर वैर सब गीले हो गए। ये भाई ये क्या है? ये शस्त्र का पानी है। शस्त्र धारा का पानी है ये, शस्त्र धारा का पानी है, वो आगे जाके अलकनंदा में मिल जाएंगे। रात को तो मेरा बस चलता है, मैं यहीं कैंपिंग करता है। कितना अद्भुत, कुबेर पर्वत है, यहीं पे रावण और कुबेर जी का युद्ध हुआ था और रावण ने यहाँ से उनका जो पुष्पक वहाँ विमान था वो यहाँ से उनसे छीन लिया गया था रावण द्वारा। कुबेर पर्वत अद्भुत। आराम से भैया। जय बद्री साल, जय बद्री साल, जय बद्री साल। सब क्या ले लेना। पत्थरों के नीचे दबा हुआ वो रहा, वो सब ग्लेशियर है, पूरा पत्थरों के नीचे पूरा ग्लेशियर है। शस्त्र धारा से आप सभी का स्वागत है। कितना अद्भुत नज़ारा, मनोरम्य दृश्य, अद्भुत, अति सुंदर। मौसम इतना खुल गया अच्छी तरह से, तभी ट्रैक में और मज़ा आएगा। और ये शस्त्र धारा का नज़ारा, ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स के ऊपर पहाड़, इतना अद्भुत नज़ारा। भाई लोग वहाँ गए अभी, वो तीन लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे ना आनंद उठाने के लिए, वो सब जो वाइट दिख रहे हैं ना वो सब ग्लेशियर्स है। अभी भी कैंप साइट और दूर है, एक आध डेढ़ घंटा और लगेगा, बस ऐसे ही ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, बहुत कठिन बड़ा है काम।
पीछे पोटरी इतना सामान उठा के चल के आ रहे हैं। ऊपर चढ़े, उतरे, फिर चढ़ना, उतरना, काफ़ी फिजिकल चैलेंज है, बट कर रहे हैं। जय बद्री विशाल। पत्थर को क्रॉस कर रहे हैं, करते करते जाना है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जय बद्री विशाल। ऐसे खुले मैदानों में से, पानी के बीच में से हम चल रहे हैं। सहस्त्र धारा कैंप पहुंच गए, उसको नीलकंठ बेस कैंप भी बोला जाता है। अगर यहाँ जगह होगी तो टेंट यहाँ लगेंगे, वरना थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। सांस इतनी फूली हुई है, थकान भी है, बस एक बार बेस कैंप पहुंच जाए फिर आराम ही आराम है। देखिए काफ़ी सारों ने अपना कैंप भी लगा दिया है। जय बद्री विशाल। कैंप सेटअप हो रहा है यहाँ पे, देखो ये सब कैंप सेटअप हो रहा है। वैसे तो स्टे रहता है चक्र तीर्थ में, बट सुबह इतनी बारिश हुई थी तो हम बहुत लेट निकले थे। चक्र तीर्थ के ये पूरा ऊपर चढ़ के नीचे उतरना पड़ता, बट पॉसिबल नहीं है। अगर वो चढ़ने उतरने में ही 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, फिर वहाँ जाके अंधेरे में टेंट सेटअप वगैरह करना वो डिफ़िकल्ट है। वो किचन है और ये काना भाई वगैरह उनकी टीम सब सेटअप कर रही है। और ये हमारी टीम, ये प्रदीप भाई, ये प्रियांग, निसार्ग भाई, जिगर भाई, ये विशाल भाइयों के हो रहे हो। जय बद्री विशाल। आगे फूल चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हमारा कैंप। और कितने दिन बचे हैं भाई? हम तो बोलते हैं हमारी हेल्प।